सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 के बारे में। 2024 ट्राइडेंट 660 आज अपने पास अवेलेबल हो चुकी है। बाइक के बारे में सारी डिटेल आज अपन लोग इस वीडियो से कवर करने वाले हैं। बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, सारे डाउट्स ट्राइडेंट से रिलेटेड आप लोगों के क्लियर हो जाने वाले हैं। सेम ही इंजन इस बाइक में अवेलेबल रहता है जो कि आप लोगों को टाइगर 660 में भी और डेटोना जो अभी रिसेंटली रिवील हुआ है डेटोना 660 में भी सेम ही इंजन अवेलेबल रहने वाला है, बट डेटोना में थोड़ा सा इसको रिट्यून किया गया है। स्टार्ट करते हैं जी की से, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर आप लोगों को की का लेआउट रहेगा। रेगुलर वाला ही पैटर्न है, इस टाइप से ट्रायम्फ का लोगो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। फोर कलर ऑप्शन में बाइक अवेलेबल रहता है और प्राइसिंग भी कलर्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे चेंज रहेगा। प्राइस पॉइंट की बात करते हैं, सो प्राइस पॉइंट स्टार्ट होने वाला है 10.39 से और एंड होने वाला है 10.55 ऑन रोड। जयपुर की ये अपनी प्राइसिंग थी। टोटल फोर कलर ऑप्शंस हैं। ये जो पर्टिकुलर कलर ऑप्शन है मैट ब्लैक वाला, ये ऑन रोड जयपुर आपका रहेगा 10.39, लगभग 10.40 आप लोग कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी सारी एसेसरीज आफ्टर मार्केट आप लोगों को पता ही है इस बाइक की अवेलेबल रहती है। एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं, प्लस एयर फिल्टर हुआ, गार्ड्स हुए। इस बाइक को टूरिंग के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ बेस्ट पार्ट जो इस बाइक का हो जाता है ना, वो है रीसेल। यूज़ करके अच्छे खासे रीसेल भी वैल्यू भी आप लोगों को इस बाइक की मिल जाने वाली है। तो ये हो जाती है अपनी प्राइसिंग और कलर से रिलेटेड डिटेल सारी कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं बाइक में आप लोगों को क्या कुछ मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड ये बाइक आप लोगों को मिल जाती है। दो राइडिंग मोड्स हैं, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, राइड बाय वायर है, प्लस स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी है। हज़ार्ड भी कंपनी से ही इनबिल्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाने वाला है। और अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, तो सारे फीचर्स भी और सारे स्पेसिफिकेशंस भी आगे चल के अपन लोग कवर करने वाले हैं। लाइटिंग सेटअप ओवरऑल आपको मिलेगा यहाँ पे एलईडी में ही। इस टाइप से कुछ इंडिकेटर्स का लेआउट है। ट्रायम्फ का प्रॉपर मार्किंग टेल लैंप में भी और हेड लैंप में भी मिल लेने वाला है। ग्लॉसी ब्लैक का यूज़ काफ़ी सारी जगह यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कॉम्बिनेशन ना काफ़ी अच्छा बना देता है। सस्पेंशन पे भी ग्लॉसी ब्लैक का यूज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। इस टाइप से कुछ MID है, सेटन फिनिश काफ़ी ज़्यादा जगह है, जैसे कि ये ग्रे वाला है फ्रंट, एक मडगार्ड पे भी थोड़ा सा एक पार्ट आ जाता है जो कि सिल्वर वाला टोन यहाँ पे रहेगा। लाइटिंग ओवरऑल LED में फ्रंट भी और रियर भी। ब्रेक लीवर यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एडजस्टमेंट के साथ, 5 पॉइंट ये आप लोग देख सकते हो। इस टाइप से इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये एरो आपको यहाँ पे इंडिकेशन के लिए भी प्रोवाइडेड है। क्लच लीवर हालांकि एडजस्टेबल नहीं है, बट स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे एनीहाउ आपको मिलने ही वाला है। इस टाइप से कुछ रियर व्यू मिरर है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बार एंड भी आप लोग इस पर इंस्टॉल करवा सकते हो। नंबर प्लेट का होल्डर आ जाता अपना रेगुलर जगह पे ही। रिफ्लेक्टर है जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। फ्रंट सस्पेंशन भी और रियर मोनो भी आपको मिलेगा शोवा का ही। फ्रंट में है अपसाइड डाउन 41 mm का निशिन ब्रेकिंग, फ्रंट भी एंड रियर भी रहेगा। फ्रंट में मिल जाता है ड्यूल डिस्क वाला सेटअप जो कि ब्रेकिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेटअप बना देता है। फ्रंट डिस्क का साइज़ है 310 mm, 310 mm का फ्रंट में डिस्क है। टायर की ग्रेडिंग है फ्रंट की 120/70 ZR 17 मिशलिन रोड 5। ये आपका प्रॉपर टायर का सेटअप है, काफ़ी अच्छा एक बिल्ड क्वालिटी ये प्रोवाइड यहाँ से आप लोगों को होने वाला है। उसी के साथ साथ कॉम्बिनेशन आपका ब्रेकिंग का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये मिल जाता है। रेडिएटर का साइज़ ये आप लोग देख सकते हो, गार्ड इस पर इंस्टॉल करवा सकते हो। हाउसिंग ये अपना आ जाता है थोड़ा सा एक सिल्वर वाले टोन में, ये है अपना कूलेंट फिल करने के लिए कैप। इस टाइप से कुछ फ्रंट मडगार्ड है, काफ़ी अच्छा शेप है और ये साइज़ आप लोग देख सकते हो, शॉर्ट मडगार्ड वाला पैटर्न यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। और ये रहा अपना टायर का पैटर्न जो कि 120 सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टायर का पैटर्न भी है, टायर का ब्रांड भी है और फ्रंट लुक भी ना टायर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अभी वाइड एंगल पे तो थोड़ा सा छोटा फील आ रहा होगा, बट काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर मिल जाने वाला है। ये रहा अपोजिट साइड वाला डिस्क का लेआउट, निशिन ब्रेकिंग फ्रंट और रियर। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं वीडियो में आगे चल के, बट लेआउट ही आप लोग देख सकते हो काफ़ी एक अच्छा, ऑब्वियस है बिग बाइक है तो एक प्रॉपर फील भी यहाँ पे आप लोगों को पूरा पूरा मिलने ही वाला है। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो सीट हाइट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा टोटल 805 mm का, 805 mm का टोटल सीट हाइट है। सीट का जो फैब्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कहना रहेगा बार बार। कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्टर साइड पे है, प्लेन का सीट भी इनफ साइज़ का है और राइडर के लिए भी एक कर्व भी है और सीट का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा इनफ है। 805 mm, 805 mm का टोटल सीट हाइट है, शॉर्ट हाइट भी है, कोई इशू इस बाइक के साथ नहीं होने वाला। फ्यूल टैंक का साइज़ ये आप लोग देख सकते हो, काफ़ी एक अच्छा खासा बड़ा एरिया यहाँ पे कवर हो रहा है क्योंकि फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी उसके अकॉर्डिंग ही मिल रही है। जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है टूरिंग के लिए भी, वो फ्यूल टैंक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है। 14 लीटर टोटल आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 14 लीटर का फ्यूल टैंक है। फ्यूल कैप ये रहा ट्रायम्फ का प्रॉपर लोगो है और की होल पे ये आपका कवरिंग है, काफ़ी अच्छा ये प्रॉपर लेआउट है ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन में। इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे ही है। वार्निंग स्टिकर
यहाँ आ जाता है अपना ट्राइडेंट, और ये रहा आपका ट्रायम्फ का प्रॉपर लोगो, बार एंड मेटल में राइड बाय वायर, ट्रायम्फ की प्रॉपर मार्किंग ग्रिप कवर्स पे भी देखने को मिलेगी, और ब्रेस्ट क्रोम में अपने दोनों ही क्लच लीवर भी और ब्रेक लीवर भी। तो 14 लीटर 805 mm सीट हाइट स्प्लिट में ग्रे ब्रेल्स है, जो कि ये आप लोग देख सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो अगर यूज़ नहीं है। टेल वाला सेक्शन इस बाइक का ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस टाइप से कुछ टेल लैंप है, यहाँ भी ट्रायम्फ का प्रॉपर एक लोगो आ जाता है, LED में ही रियर लाइटिंग सेटअप भी है, और नंबर प्लेट होल्डर आपको मिलता है यहाँ पे टायर हगर पे, जो कि आप लोग ये देख सकते हो, इंडिकेटर भी और ट्रायम्फ की प्रॉपर मार्किंग आपको यहाँ भी मिल जाती है। ड्यूल में टायर हगर है, रियर वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट, रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है मल्टीपल वे एडजस्टमेंट के साथ, और ये है अपना प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ भी, सो काफ़ी अच्छा है। वही अगेन शोवा का ही सस्पेंशन, रियर भी और फ्रंट भी अपना रहने वाला है। सेम फ्रंट की तरह रियर टायर भी अपना अगेन मिचलिन का ही रहने वाला है। टायर की ग्रेडिंग रियर की 180/55 ZR 17 180 सेक्शन 120 सेक्शन, ये अपना टायर सेटअप हो जाता है कंप्लीट। रियर ब्रेकिंग निसिन ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि आपका रहेगा स्विचेबल, तो स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है। रियर डिस्क का साइज 255 mm, 255 mm का रियर में डिस्क है। निसिन ब्रेकिंग ये रहा, प्लस बाइक का जो फ्रेम है ये भी यहाँ से अपना विजिबल रहने वाला है। अंडर बेली में एग्जॉस्ट है, काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक में मिल जाने वाला है, जो कि अभी डेमो बाइक पे मैं आप लोगों को सुना देता हूँ एग्जॉस्ट भी किस टाइप का यहाँ पे प्रॉपर सेटअप रहता है। फुटपैक्स पे कोई भी रबर कवरिंग अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहने वाली, इस टाइप से कुछ आपका इंजन का लेआउट है अपोजिट साइड से। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो 660cc का लिक्विड कूल 12V DOSC इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन यहाँ पे मिल जाता है, 6-speed गियरबॉक्स के साथ। 81 PS का पीक पावर है और 64 Nm का टोटल टॉर्क है। बाइक का टोटल वेट है 189 kg, लगभग 190 kg के अराउंड अराउंड आपका ट्राइडेंट का टोटल वेट रहने वाला है। सो इस टाइप से कॉम्बिनेशन इंजन पे भी मिलेगा, थोड़ा सा एक ग्रे स्टोन भी है और ब्लैकआउट भी ये सेटअप अपना रहने वाला है। सर्विस इंटरवल की बात करते हैं ना, तो सर्विस का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, या तो 16,000 किलोमीटर या फिर 1 ईयर 16,000 किलोमीटर और 1 ईयर जो भी पहले आपका हो जाए। क्रोम का पार्ट एक छोटा सा यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही साइड पे देखने को मिलेगा। फुटपैक ब्रेक लीवर ये अपना हो ही चुका है, हीट शील्ड भी है एग्जॉस्ट पे, रेडिएटर का साइज़ अपन लोग देख ही चुके हैं। सो मेजरली सारी डिटेल अपनी पूरी हो चुकी है। अपोजिट साइड एक बार कवर कर लेते हैं, इंजन का लेआउट तो अपन लोगों ने देख ही लिया, साइड स्टैंड ही है, सेंट्रल स्टैंड यहाँ पे नहीं है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग नीचे अपना कैटलेटिक कन्वर्टर वाला पूरा यूनिट आ जाता है, चेन पॉकेट ओपन वाला कवरिंग थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, बट कैटेगरी के अकॉर्डिंग यही लुक जाता है। और इस बाइक का यार ये टेल वाला यूनिट मुझे ज़्यादा पसंद आया, मतलब फ्रंट भी अच्छा है ऐसा नहीं है, बट टेल वाला सेक्शन थोड़ा सा और एक पॉइंट ऊपर आ जाता है। साड़ी गार्ड है जो कि आप लोग रिमूव करके थोड़ा बहुत वेट रिडक्शन कर सकते हो। उस पॉकेट का साइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं स्विच सेटअप की, फिर करते हैं वीडियो को एंड। सो क्लच लीवर स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, काफ़ी लाइट क्लच का फील है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही, यानी कि सुपर बाइक वाली कैटेगरी आ जाती है तो इतना ज़्यादा ही लाइट भी नहीं होना चाहिए। यह आ जाता है एक अपना हाई बीम लो बीम वाला स्विच जो कि आगे है, और पास वाला यही अपना सेटअप रहेगा। 4 स्विचेज हैं, MID से रिलेटेड कंप्लीट एक डिजिटल सेटअप यहाँ पर लोगों को मिल जाता है। इंडिकेटर ये 2 स्विचेज हैं MID से रिलेटेड ही, और ये रहा रेड वाला स्विच आपका हॉर्न का। हैंडल बार का लेआउट, चार्जिंग पोर्ट कोई भी अवेलेबल नहीं है, जो कि आप लोग आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हो अगर टूरिंग पर्पज से बाइक ले रहे हो। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर 3-in-1 स्विच यहाँ है, और ये रहा अपना हजार्ड का स्विच। थ्रॉटल ग्रिप अपना हो चुका है, बार एंड ये रहा अगेन ग्लॉसी ब्लैक में, और ये रहा अपना ट्रायम्फ की प्रॉपर यहाँ भी मार्किंग। रियर व्यू मिरर का साइज़ काफ़ी अच्छा है, बार एंड भी आप लोग इस पर इंस्टॉल करवा सकते हो। इस टाइप से कुछ राइडर POV ये आपका देखने में मिल जाने वाला है। सो अगर आपकी भी शॉर्ट हाइट है ना, और एक थोड़ा सा सुपर बाइक टाइप आपको लुक और पावर चाहिए, सो ट्रायम्फ ट्राइडेंट इज़ द गो टू बाइक। काफ़ी लो सीट हाइट है, जब बाइक अपना एक पिलियन भी होगा लगेज भी होगा तो और शॉर्ट हाइट हो जाती है। ये यहाँ पे भी अभी इसलिए एक हो रहा है क्योंकि स्टैंड पे बाइक पार्क्ड है, ये इससे निकलते ही और थोड़ा सा छोटा फील आपको आ सकता है। बाकी काफ़ी कॉम्पैक्ट लुक है और काफ़ी फन टू राइड मशीन ये अपना हो जाता है। अभी वाइट कलर भी अपने पास अवेलेबल है, जो कि है डेमो वाला, जिसका एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को वीडियो में एंड में देखने को मिल जाएगा। सो करते अपने ये वाला वीडियो यहीं पे एंड, और मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।